हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हैं अपने मोबाइल फ़ोन के हैंग से? और फ्रेंड्स, हैंग से आपका फ़ोन काफ़ी सारा लेट चलता है और काफ़ी धीरे चलता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस समस्या को दूर करने वाला हूं। मैं आपका अभिषेक चौधरी जी, यूट्यूब टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं फ्रेंड्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए, और मैं आपको मोबाइल हैंगिंग की समस्या से काफ़ी सारा छुटकारा दिलवाऊंगा। और फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों के ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आएगी और आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बिना वीडियो को स्किप किए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अब चलता हूं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और आपको बताता हूं मोबाइल हैंगिंग से बचने के तरीके। तो फ्रेंड्स, देखिए हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल हमारा कैसे हैंग करता है और क्यों हैंग करता है। तो फ्रेंड्स, सिंपली हमें क्या करना है, अपनी सेटिंग की ओर जाना है फ्रेंड्स। और अपनी सेटिंग पर जाते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स आपको सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टम ऐप्स अपडेटर पर जाना है फ्रेंड्स। क्या होता है, कई बार काफ़ी सारे मोबाइल जो होते हैं हैंग कर जाते हैं। हैंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि चलना बंद हो जाता है, और अगर कोई चीज़ चला रहे हैं अधिकांश ये प्रॉब्लम जब आती है जब हमारा नेट खुलता हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, जब फ़ोन चलाते हैं और चलते चलते अटक जाता है तभी ये समस्या आती है। तो फ्रेंड्स, ये आज मैं आपको बिल्कुल हटाने वाला हूँ, ये समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली थी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम सिस्टम ऐप अपडेटर पर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें ऊपर की ओर 3 डॉट दिख रहे होंगे। सिंपली हम इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमें सेटिंग पे जाना है। ये देखिए 3 ऑप्शंस खुल रहे हैं, अपडेट, हिस्ट्री, मैनेज डाउनलोड और सेटिंग। सिंपली हमें सेटिंग्स पर जाना है और हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑटो अपडेट का नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑटो अपडेट का। तो फ्रेंड्स, हम इसे खोलेंगे। ऑटो अपडेट यहाँ पे देखिए, अपडेट यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, इसमें मेरा सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि मेरा फ़ोन हैंग ना करे तो आप डोंट अपडेट पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो हमें वाईफाई या नेट खुलते ही ये अपडेट नहीं होता है। और फ्रेंड्स, वैसे भी अपडेट होने के लिए कोई खास ऐसी वजह नहीं चाहिए जो फ़ोन में कुछ हो सके। तो अपडेट तो हम जब भी कर सकते हैं, जब ऐप्स अपडेट मांगता है तो हम प्ले स्टोर पर जाके ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब आप नेट खोलते हैं तो इस अपडेट को जितना डाटा चाहिए होता है ये अपना डाटा ले लेता है और अपने आप अपडेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बंद कर दें और मोबाइल हैंग आपका समस्या थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फ्रेंड्स नहीं आई है तो आप बिना देखे और बिना कुछ कहे जा सकते हैं। थैंक। और जिस किसी के भी फ़ोन में ये सेटिंग ना मिले वो हमें कमेंट नीचे जाके ज़रूर करें, हम उस समस्या को दूर करेंगे, दूसरी तरह से बताएंगे आप लोगों को, और वो भी प्ले स्टोर से ही पता लग जाएगा। तो अगर आपको ना मिले तो नीचे कमेंट जरूर करें वीडियो के।